नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कल। जनसहभागिता से थाना वाह प्रांगण में आए सुधार के संबंध में क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों के साथ गोष्ठी का दौरान धन्यवाद करते हुए क्षेत्रवासियों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने और अपराधों पर नियंत्रण के लिए चर्चा की गई। उक्त संबंध आगरा पुलिस कमिश्नर डे जनता को संबोधन करते हुए उनको धन्यवाद दिया और बताया कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री के द्वारा जनता पुलिस के संबंधों को सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, आज बाघ कोतवाली का निरीक्षण नहीं था, लेकिन आज हमारा बाघ कोतवाली में जनसंवाद था, जो पब्लिक के हमारे जनप्रतिनिधिगण थे और वो वैसे भी जो कस्बे के या क्षेत्र के जो लोग थे, प्रधान थे, उन सभी लोगों से आज वार्ता हुई। उन सभी लोगों से एक इनफॉर्मल मीटिंग जिसको कहते हैं, उस तरह से बातचीत हुई। और इसके अलावा जो थाने के प्रांगण को एक सुधार की तरफ लेके जाया जा रहा है, उसका सभी जो जनसहभागिता से जो इस थाने के प्रांगण को में सुधार आया है, उसके लिए सबका धन्यवाद किया गया और उनको ये बताया गया कि आगे आने वाले समय में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिशन शक्ति शुरू किया गया है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे हमें उनसे सहयोग की अपेक्षा है, किस तरह का सहयोग हम चाहते हैं और किस तरह हमारी महिला बीट कांस्टेबल जो हैं वो गांव-गांव पहुँचेंगी और गांव-गांव पहुँच के जो वहाँ की महिलाएँ हैं और विभाग के भी जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पर पहुँचेंगे पंचायत घरों पर, और जो क्षेत्र की महिलाएँ हैं उनको किस तरह के लाभ सरकार उपलब्ध करवा रही है, जिनका उनको ज्ञान नहीं है, कोई अनपढ़ है या कोई मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाता, तो सरकार के लोग और पुलिस के लोग उनके दरबार तक, उनके द्वार तक जाएंगे और उनको जो भी स्कीम्स में उनको लाभ मिलना है उनके बारे में उनको अवगत कराएंगे, उनके फॉर्म भरवाएंगे, फॉर्म भरवा के संबंधित विभागों में सबमिट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ग्राम चौकीदार थे, उनसे हल्का सा संवाद हुआ और जो ग्राम चौकीदार जिनको साइकिल्स की आवश्यकता थी उनको साइकिल उपलब्ध करवाए गए। आगे जैसे जैसे सरकार की तरफ से डीजीपी ऑफिस की तरफ से बजट मिलेगा तो इन चौकीदारों को और भी जो सुविधाएं हमें देने की आवश्यकता है वो दी जाएंगी, और क्योंकि ये हमारे लिए प्रमुख सूचना का केंद्र होता है चौकीदार, जो गाँव का प्रहरी होता है और गाँव में हमारे एक तरह से हमारा इंटेलिजेंस का काम करते हैं, सूचना देने का काम करते हैं। और इसके अलावा जो भी यहाँ पे मौजूद बाकी लोग थे उनसे संवाद किया गया और जो थारम प्रांगण में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, आगंतुक कक्ष, महिला हेल्प डेस्क और बाकी चीज़ें, और नई एक महिला चौकी यहाँ पे बननी इस हफ्ते के अंदर अंदर शुरू हो जाएगी जिसका बजट रिलीज हो गया, इन सभी चीज़ों को लेकर और जो पूरे परिसर में जो CCTV कैमराज लगे हैं और बाकी भी यहाँ पर पहुँचे हुए प्रधानों को बताया गया कि आप भी अपने क्षेत्र में, अब ग्राम विकास का शासनादेश भी हो गया है, सभी अपने क्षेत्रों में CCTV कैमरा लगवाएं ताकि अपराध को नियंत्रण किया जा सके और छोटे छोटे जो झगड़े हैं उनको भी कंट्रोल।